जूनागढ़ गुजरात से डॉक्टर प्रद्युम्न खाचर का आप सबको नमस्कार। आज मैं आपको राजा महाराजा और आखेट उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। राजा महाराजा प्राचीन काल से आखेट खेला करते थे। उसके पीछे का एक रहस्य यह रहा था कि राजा या राजकुमार आखेट में से कुछ लाभ और गुण जानते थे। आजकल की जनता जानती नहीं है, क्योंकि आजकल तो लोकशाही है और आखेट पर बड़ा सही प्रतिबंध सरकार ने लगा रखा है। लेकिन राजाशाही के वक्त में, युद्ध के वक्त में आखेट खेलना बहुत जरूरी रहा था, इसलिए राजा महाराजा आखेट खेला करते थे। आखेट खेलने से शिकारी में इतने गुण आते थे, चपलता, आज्ञा पालन, देश के विविध भाषा का ज्ञान, बोलियों का ज्ञान, दिन रात बैठे रहने की हिम्मत, जंगल का परिचय, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, वर्षा सहन करने की शक्ति, छोटे बड़े लोगों के समान वर्ताव और हथियारों की पूरी जानकारी। सबसे बड़ा गुण हिम्मत आती है। आजकल शिकार की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब लोकशाही है। राजा लोग शेर, बाघ, अध्वशेरा, रीछ, सुअर, सांभर, चीतल, नील गाय, जोडिला, हिरण, खरगोश, मगर वगैरह वगैरह का शिकार करते थे। शिकार के वक्त इतर या सुगंधी पदार्थ नहीं लगाते थे। शिकारी की एक ही भूल उसका मौत के लिए जिम्मेदार होती थी। बहुत सारे शिकार में मौत के साथ सामना करना पड़ता था। गंडल के राजकुमार नटवर सिंह जी कभी सोते हुए शेर पर गोली नहीं चलाते थे। वह शेर को देखते ही उसको पत्थर मारकर उठाते थे और बाद में उसके ऊपर गोली चलाते थे। इसकी वजह से उसका मौत शेर के शिकार की वजह से हुआ था। वडोदरा के महाराजा गायकवाड़ शिकार के लिए धारी के पास आए थे। उस वक्त एक कोली के लड़के ने उसका जान बचाया, वरना उस दिन ही सयाजीराव वहां मौत देख लेते। इसलिए सयाजीराव गायकवाड़ ने कोली लड़का का पुतला बनवाकर कमाटी बाग में बरोड़ा में रखा हुआ है। जसदण के राजकुमार खाचर साहब सुअर के शिकार ऐसे करते थे कि एक ही भाले से सुअर को जमीन में गाड़ देते थे। राजकोट के ठाकुर साहब धर्मेंद्र सिंह जी आखेट में बहुत बुरी तरह घायल हुए थे। शिकार विद्या कोई साधारण नहीं थी, उसमें जितना गहरा उतरा जाए इतना ही सार निकलता था। शेर के दांत और नाखून दोनों जहरीले होते हैं, इसलिए मनुष्य को लगा हुआ घाव सड़ जाते थे। शेर की मूछे भी बहुत जहरीली होती है, मनुष्य के खाने से उसकी मृत्यु हो जाया करती थी। इसलिए राजा महाराजा शिकार के बाद उसके बाल को जला देते थे। शेरनी का दूध आंख में फूला पड़ जाने पर लगाने से फायदा करता था। बवासीर की तकलीफ वाले को शेर की मिष्टा की धुनी दी जाने से आवश्यक लाभ होता था। 1880 में जूनागढ़ रियासत में आखेट धारा की अमलवारी हो गई थी। आखेट के लाइसेंस के बिना आखेट खेलने वाले को 6 महीने की सजा और 1000 कोड़ी का दंड दिया जाता था और उसके हथियार का लाइसेंस को रद्द किया जाता था। 1893 में मुंबई का गवर्नर लॉर्ड हैरिस गिर में आखेट खेलने के लिए आए, तब उसको कोई शेर न मिले। तब से ब्रिटिश सरकार और नवाब सरकार को शेर की चिंता होने लगी। दिनांक 6 फरवरी 1895 से नवाब रसूल खान जी ने अब 6 साल तक शेर के शिकार पर प्रतिबंध लगवा दिया। उसके बाद नवाब महबत खान जी तीसरे ने 25 सितंबर 1925 के दिन एक फरमान जाहिर किया कि अब शेर का शिकार कभी भी
कोई नहीं कर सकता और बहुत जरूरी हो या अंग्रेज अधिकारी हो तब उसको नवाब खुद की सही से शेर का शिकार का परवाना मिलता था। फिर भी काठियावाड़ के बहुत राजा महाराजा और राजकुमारों ने शेरों का शिकार करने के लिए जंगल में गए थे। उसके ऊपर नवाब ने केस चलवाया और जांच करवाई थी। शेर का शिकार करने वाले को 6 मास की सजा या 1,000 कोरी का दंड दिया जाता था। जूनागढ़ रियासत ने शेरों की गिनती भी करवाई थी। गिर के जंगल के बहुत सारे नक्शे बनवाए थे और गिर में इतनी अच्छी व्यवस्था की गई थी कि किसी भी शिकारी गिर में आकर शेर का शिकार न करे। पूरे जंगल में जूनागढ़ रियासत के काबिल लोग घूमते रहते थे, कहीं भी कोई शेर का शिकार न करे। गिर के जंगल में जयपुर रियासत का एक बंगला था, उसका नाम था एंधानिया का बंगला। महाराजा लोग और अंग्रेज अधिकारी वहां अखेट खेलने के लिए बहुत आया करते थे। आज मैं आपको यह वीडियो दिखाकर कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, उस जमाने की राजा महाराजा को अखेट खेलने की जरूरत रही थी। आजकल ऐसा अखेट खेलने की अब कोई जरूरत नहीं रही है। आपको और एक विनती यह कर रहा हूं कि इतिहास को उस वक्त की परिस्थिति के मुताबिक समझना चाहिए। आज के चश्मे से आप इतिहास पढ़ोगे तो आपको सही तरह का इतिहास नहीं समझ में आएगा। इसलिए आजकल इतिहास नहीं जानने वाले लोग समझे बिना राजा महाराजा और कुछ कुछ इतिहास परंपरा रीति रिवाज का विरोध करते दिखते हैं। उसमें उसका ज्ञान की कमी हमें दिखाई देती है। जूनागढ़ रियासत ने गिर के जंगल में इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। आजकल हम अभिलेखागार में या जब जाते और उसका ओरिजिनल रिकॉर्ड दफ्तर देखते तो हम अचंभे में पड़ जाते हैं कि राजाशाही के वक्त में विज्ञान इतना आगे नहीं था, फिर भी शेर की देखभाल के लिए क्या क्या किया गया था। हर हमें इतिहास में से बोध पाठ लेना चाहिए, लेकिन आजकल ज्यादातर लोग इतिहास पढ़ते ही नहीं और जो पढ़ते हैं वह सही अर्थ में इतिहास समझते नहीं है। यह मानव जात की बड़ी दुर्दशा है। इतिहास समझने में, कहने में, लिखने में, बताने में ज्ञाति जाति धर्म लिंग सभी मुद्दे को छोड़कर ही समझना चाहिए, वरना आप किसी ज्ञाति या धर्म का चश्मा लगाकर कभी सही इतिहास की समझ नहीं पाओगे। इतिहास समझने के लिए ज्यादा पढ़ना चाहिए, ज्यादा सोचना चाहिए, उस वक्त की परिस्थिति देखना चाहिए। इतिहास को हम आजकल की परिस्थिति के साथ जोड़कर जब जब देखते हैं तब तब हमको हमारे पूर्वज, हमारे राजा महाराजा, हमारा सब लोग ऐसे काम क्यों करते थे ऐसा लगता है। उसका कारण सिर्फ इतना है कि हम आगे पीछे का ज्ञान को जानते नहीं और ऐसे ही समझे बिना बातें करने लगते हैं, कुछ न कुछ लेख लिखने लगते हैं। उसको पता नहीं कि ये परंपरा क्या थी, ये रीति रिवाज क्या था, उसके पीछे का कारण क्या था, और लोग ऐसे ही कुछ न कुछ बातें लिख डालते हैं। ये इतिहास धर्म को बहुत हानि पहुंचाता है। इतिहास को समझने के लिए बड़ा दिल चाहिए। इतिहास को पढ़ने के लिए अपने हृदय में किसी भी भाव कुभाव नहीं होना चाहिए, वही लोग इतिहास अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसलिए मैं आप सबको ये आखेट की बात दिखाकर सही इतिहास समझने के लिए मैं आपको विनती कर रहा हूं। आज तो मुझे ऐसा कहने का मन होता है कि आपने ओरिजिनल रिकॉर्ड दस्तावेज देखे नहीं तो आप इतिहास के लिए एक लाइन भी कहीं लिखो मत, कहीं बोलो मत। सबसे पहले आप अभिलेखागार में जाओ, ओरिजिनल रिकॉर्ड कागजात उस वक्त के देखो
और बाद में इतिहास लिखने की कलम आपको हाथ में लेनी चाहिए, वरना आप भविष्य की पीढ़ी को गलत इतिहास दिखा रहे हो, ऐसा हमें मालूम पड़ता है। इसका बड़ा अफसोस हो रहा है।